अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल अहमद। मुखातिब हूँ आपसे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के ब्रांड न्यू ब्लॉग है, मेरे पास होंडा वीजल EHEVI है, ब्रांड न्यू कंडीशन 2021 मॉडल, न्यू शेप। तो कंप्लीट रिव्यू की तरफ चलते, उससे पहले आप फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाड़ी के रिव्यू की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी और इसमें ऑप्शन भी बहुत अच्छी हैं, और बहुत सी ऐसी ऑप्शन है जो इस गाड़ी में आई हैं, तो मैं आपको कवर करता हूँ। तो ये आपके सामने है व्यूअर्स, होंडा वीजल 2021 मॉडल EHEVI, 1.5 सीसी हाइब्रिड, फ्रेश इंपोर्ट, और गाड़ी बहुत खूबसूरत। इसका फ्रंट आप देखें, बहुत ही एग्रेसिव, और इसकी शो ग्रिल भी मैचिंग ब्लैक के साथ, और आपको सेंटर में होंडा की बैजिंग मिलती है, और उसके अंदर आपको जो है ये हाइब्रिड का लोगो मिलता है। आपको मैं अक्सर रिव्यू में कवर करता हूँ कि वीजल या प्रियस, जितनी भी हाइब्रिड पाकिस्तान में जापान से गाड़ियाँ आती हैं, उनका लोगो के अंदर आपको ये ब्लू लाइट मिलती है, और आप उसके अपर पे देख सकते हैं क्रोम मिल जाता है आपको। नीचे अगर आप बम्पर की तरफ आएँ तो नीचे आपको ये क्रोम की पट्टी मिलती है स्पोर्ट लुक में, DRL लाइट्स, LED लाइट, और इसकी हेडलाइट्स भी बहुत स्मार्ट सी हैं, और इसके फोगलम भी आपको मैं दिखाऊं तो फोगलम भी इसके न्यू स्टाइल में है, ग्रे के साथ टच दिया हुआ है। पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और इसमें आपको रेन स्क्रीन सेंसर मिलता है व्यूअर्स, इसमें आपको फ्रंट रडार और वीडियो रिकॉर्डर मिलता है। जितनी भी जापानीज गाड़ियाँ आ रही हैं उन सब में अब ये बिल्टन आ रहा है, जो इस गाड़ी के अंदर भी अवेलेबल है। एयर प्रेस आप देखें तो एयर प्रेस आपके सामने है, जो सारी बॉडी की तरफ कंटिन्यू करते हैं, SUV का टच देते हैं। मिचलन के इसमें टायर डले हुए हैं, और 18 इंच का इसका टायर साइज़ है। अलॉय व्हील्स का आप स्टाइल देखें तो बहुत खूबसूरत है, क्रोम विद ब्लैक के साथ। इस साइड पे आपको अगर मैं दिखाऊं तो नीचे आपको डोर मोल्डिंग मिलती है, डोर मोल्डिंग के अंदर आपको क्रोम की एक लाइन भी मिल जाती है, और ओरिजिनल कंपनी फिटेड ये जापान से आई है, बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद आपको साइड व्यू मिरर जो है वो मैचिंग मिलते हैं, इंडिकेटर रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल, डोर लैचेस भी बॉडी कलर के साथ मैच है, कीलेस एंट्री। उसके बाद एयर वेंट्स आपको दिखाऊं, एयर प्रेस तो वो भी ओरिजिनल होंडा कंपनी जापान के फिटेड है। अगर इसको हम यू अनलॉक करते हैं तो ऑटो आपके साइड व्यू मिरर जो है वो अनलॉक हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और उसके अंदर व्यूअर्स पार्किंग सेंसर और ब्लाइंड स्पॉट की ऑप्शन भी मिलती है, जो बहुत कम गाड़ियों में आती है। बैक इसका डोर ग्लास जो है वो ओरिजिनल टिंटेड है, और डोर का जो स्टाइल है वो वीजल में आपको पता है यहाँ पे आ रहा था। इसके बाद पाकिस्तान में आपको जो HRV आई थी उस में भी आपको सेम इसी तरह की शेप मिलती है। बैक पे आपको स्पॉइलर मिल जाता है, उसके अंदर आपको लाइट शार्क एंटीना, देन आपको बैक स्क्रीन वाइपर मिलता है, और इसका बैक जो है वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसके बैक के ऊपर आपको एक कम्प्लीट लाइट मिलती है। इसकी रेयर लाइट भी बहुत खूबसूरत यूनिक स्टाइल की, जो कि सिर्फ होंडा वीजल में ही आई। EHEVI की बैजिंग, देन आपको यहाँ पे होंडा की बैजिंग मिल जाती है, और इस साइड पे आपको वीजल की बैजिंग मिलती है। और व्यूअर्स इसके बैक बम्पर में भी आपको सेंसर्स मिल जाते हैं, नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं, और नीचे स्पोर्टी लुक के साथ क्रोम का पीस है, जो कि इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा करता है। बैक स्क्रीन भी आपको टिंटेड मिलती है। लेफ्ट प्रोफाइल भी आपको दिखाऊँ तो ये आपको मैं गाड़ी थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ, ये देखिए खूबसूरत कार, बहुत ही प्यारा इसका स्टाइल, लेंथ भी इसकी बहुत अच्छी है, और इस व्यू मिरर में भी आपको ब्लाइंड स्पॉट और पार्किंग सेंसर्स की ऑप्शन मिल जाती है, और ये नीचे मिरर जो वीजल में आता है आपके फ्लोर को क्लियर व्यू देने में। तो गाड़ी को हम पहले स्टार्ट करते हैं, आपको मैं इसकी हेडलाइटें और टेल लाइटों का व्यू देता हूँ, फिर मैं आपको गाड़ी का पूरा रूम दिखाता हूँ। व्यूअर्स टेक्नोलॉजी भी जापान ने अपग्रेड कर दी, स्टार्टर इसका कुछ यूं है जी, DRL इसके बहुत खूबसूरत है, और बड़ा प्यारा इसका जो है फ्रंट लुक है। DRL लाइट्स, LED लाइट, फोग लैंप भी आपके LED, और उसके बाद मैं आपको टेल लाइट दिखाता हूँ। तो ये इसकी टेल लाइट है, ये देखें बहुत ही ब्यूटीफुल, बड़ा
क्यूट सा इसका जो है इन्होंने ये स्टाइल बनाया। टेल लाइट इसकी बहुत ज़बरदस्त बनाई है और आप ये देख सकते हैं एलईडी लाइट, पूरा डिग्गी लाइट। और मुझे हर वो गाड़ी बेइंतहा पसंद लगती है जिसके अंदर आपको पूरा डिग्गी की डिग्गी लाइट बाहर मिलती है। व्यूअर्स रूम की तरफ चलते हैं, तो डोर पोशेश आपको यहाँ पे भी क्रोम मिलता है, इनर हैंडल भी क्रोम का है, फोर डोर ग्लास आपके ऑटो, रिट्रैक्टेबल मिरर, सेंटर लॉकिंग, लेदर पैच, स्पीकर जिसमें आपको जो है वो 6 मिलते हैं, 4 इसके डोर में और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको डोर पोशेश में भी कप होल्डर मिल जाता है, और अगर आपको सीटें दिखाऊँ तो यूनिक स्टाइल का न्यू फैब्रिक के साथ आपको इसमें सीट्स मिलती हैं जिसके अंदर एयर बैग भी हैं और हाफ लेदर और विद फैब्रिक। फैब्रिक का स्टाइल आप देखें खूबसूरत है, गाड़ी बहुत स्पेशियस है, बेइंतहा कंफर्टेबल है। और इसके इस साइड पे आप आ जाएं तो वीवर्स आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स और बहुत इसमें आपको पावर बूट भी मिलता है जो कि बहुत कम गाड़ियों में आया। इस कैपेसिटी की, इस कैटेगरी की कार के अंदर आपको पावर बूट भी मिल जाए तो और आपको क्या चाहिए। इलेक्ट्रिक ट्रंक, पार्किंग सेंसर्स, लेदर हीटेड स्टेयरिंग, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इसका स्टेयरिंग भी बहुत खूबसूरत है, बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल का इन्होंने स्टेयरिंग व्हील बनाया, 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, उसके अंदर आपको पियानो ब्लॉक अटैच मिलता है, लेदर स्टेयरिंग मिलता है, हीटेड स्टेयरिंग है। ये देखें सर्दियों में आपको जो है वो फ़ायदा होगा। उसके बाद इसमें आपको लेन असिस्ट कंट्रोल मिल जाता है, रडार भी इन्होंने इसमें कर दिया, एंटी क्लूजन भी आपको इसमें मिलता है। इस साइड पर आपको वॉइस कंट्रोल, आपका होम का बटन, वॉल्यूम कंट्रोल, ट्रैक कंट्रोल, एयर बैग इसमें आपको भी बस ये मिलता है जी स्टेयरिंग व्हील में। उस साइड पे आपको पैसेंजर साइड पे मिल जाता है, फ्रंट के आपको पिलर में मिलता है, उसके बाद आपको सीट्स में भी मिलते हैं और आपको ये बैक पे भी मिलते हैं, तो आपको मैं वो भी कवर करता हूँ। आपको पहले इसका डैशबोर्ड दिखाऊँ तो खूबसूरत लेदर के साथ इसका डैशबोर्ड है, आप होस्ट्री इसकी बहुत ही खूबसूरत है। आपको यहाँ पे भी स्पीकर मिलता है और उस साइड पे भी आपको स्पीकर मिल जाता है। केबल लाइट आपकी व्यूअर्स एलईडी के साथ हैं। नेविगेशन की तरफ आएँ तो एक अच्छे साइज़ में आपको ओरिजिनल गैदर्स का होंडा कंपनी जो है वो नेविगेशन देती है जिसके अंदर काफ़ी सेटिंग्स हैं। अगर मैं इसको ऑडियो पे जाऊँ तो यहाँ से ये आपकी सारी सेटिंग्स आ जाती हैं व्यूअर्स। उसके बाद आपको इसमें बहुत खूबसूरत किस्म के पैडल शिफ्टर भी मिलते हैं, अगर आपने स्पोर्ट मोड पर चलाना है तो व्यूअर्स आप पैडल शिफ्टर भी यूज़ कर सकते हैं। एयर वेंट्स आपको इसमें 4 मिलते हैं और चारों आपके फ्रंट पे हैं। नीचे आपको हीटेड सीट मिल जाती हैं, उसके बाद क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और आपके सामने है, आपको हीटेड सीट भी इस गाड़ी में मिल रही हैं, USB पोर्ट भी है, नीचे बॉक्स आपको मिल जाता है और फास्ट चार्जिंग की भी पोर्ट मिल जाती है। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट इसकी मैनुअल है व्यूअर्स। डोर क्लस्टर की तरफ आपके क्लस्टर अगर आपको मैं दिखाऊं तो वो भी बहुत खूबसूरत है और उसके अंदर आपको मालिश हो रही है, 43,823 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है। और इसका हम इसकी सेटिंग्स में फ्यूल एवरेज व्यूअर्स आपके सामने शो हो रही है 18.2 की एवरेज है और अभी इसमें हाफ टैंक है और आपका यह हाफ टैंक 339 किलोमीटर ये गाड़ी अभी फ्यूल अपना कंज्यूम करेगी। बहुत अच्छी इसकी फ्यूल एवरेज आप लोगों के सामने है। और उसके बाद इसकी गियर नॉब और ये पियानो ब्लैक है इसका पैनल और ये आप देख सकते हैं क्रोम के साथ इसको इन्होंने टच दिया हुआ, बहुत खूबसूरत है। ग्लोबॉक्स आपको मैं दिखाऊँ तो वो भी इसका स्पेशियस है। लेदर का इसके अंदर इन्होंने बहुत खूबसूरत किस्म का आपको डैशबोर्ड दिया है। डोर पोशेश आपके सामने है और अगर इस साइड पे आ जाए तो 2 कप होल्डर मिलते हैं। ड्राइव मोड आपके सामने है व्यूअर्स, ये आपको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये इको में आ गया और उसके बाद आपका ये नॉर्मल स्पोर्ट, स्पोर्ट मोड पे आप जो है पैडल शिफ्टर यूज़ कर सकते हैं और ये आपके सामने है। स्पोर्ट पर आके इसका बिल्कुल कार मीटर का डिज़ाइन चेंज हो जाता है। ऑटो आपकी हैंड ब्रेक है, लेदर पैच के अंदर आपको सेंटर कंसोल मिल जाता है, उसके अंदर आपको स्पेस मिलती है और व्यूअर्स इसमें आपको वैनिटी मिरर मिलते हैं विद लाइट, बोथ साइड आपको वैनिटी मिरर मिलते हैं। बैक कैबिन आपको दिखाता हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी होंडा ने बनाई है। लेग स्पेस आपकी, हेड स्पेस, 3 हेडरेस्ट,
बहुत स्पेशियस है। बैक पॉकेट आपको बैक सीट पे मिलती हैं और आपको बैक पैसेंजर पे भी दो एयर वेंट्स मिलते हैं। नीचे आपको फास्ट चार्जिंग की पोर्ट मिल जाती हैं, कप होल्डर मिल जाता है आपको। केबिन मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये आपके सामने है। बैक केबल लाइट भी आपकी एलईडी में है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, सेंटर आर्मरेस्ट में भी आपको दो कप होल्डर मिलते हैं। वेरी स्पेशियस कार। और ये देखें जी, फॉर्च्यूनर आप भूल जाएंगे, ऑटो ट्रंक वीजल के अंदर जापानी छागे हैं। स्पेशियस ट्रंक है, आप ये सीटें अपनी बेंड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लगेज रखने हैं। और उसके बाद आप ये देखें जो किसी गाड़ी में नहीं आता, आपको बैक वीडियो रिकॉर्डर भी मिल जाता है, बैक व्यू कैमरा। ब्लैक विद ब्लैक 1500 cc हाइब्रिड और न्यू टेक्नोलॉजी EHEV। इसका डोर साइज भी काफी ह्यूज है और आप ये नीचे देख सकते हैं, ये डोर के नीचे ये पैनल इन्होंने कंप्लीट लगाया हुआ है। आपका एक तो फ्लोर, ये जो पैनल है फुट पैनल, ये भी बचता है रस से, और उसके बाद बारिश का पानी भी आपकी गाड़ी में नहीं जाएगा, ये उसको पूरा कवर करेगा। तो वीवर्स, होंडा वीजल 2021 मॉडल, फ्रेश इंपोर्ट, 43,000 किलोमीटर से ली हुई, टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स के साथ। अगर आपने गाड़ी ख़रीदनी है और आपको पसंद है तो जल्दी विजिट करें SmartCast 51 जेल रोड लाहौर। अपनी दुआओं में मुझे याद रखेगा, जल्द नई वीडियो नई गाड़ी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।